वेलकम बैक टू द काफोस एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग हैचबैक्स के बारे में, यानी कि छोटी गाड़ियाँ जो आने वाले कुछ ही समय में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपने लिए एक आने वाले टाइम में हैचबैक लूँगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना, पर उससे पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर एकदम नहीं हुए हैं उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे ऐसे ही कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पे करते हैं अपने वीडियो स्टार्ट। हमारी लिस्ट में हमारी पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट। जल्द इस गाड़ी का भी एक फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है जो इंडियन रोड्स पे कई बार देखा जा चुका है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट एंड बैक से माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मॉडिफाइड हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स विद न्यू बम्पर्स, उसके साथ न्यू स्टाइल के अलॉय व्हील्स एंड इंटीरियर वाइज भी इस गाड़ी में आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाइड इंटीरियर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी, रियर एसी वेंट्स, फ्रंट आर्मरेस्ट, वायरलेस चार्जर एंड और भी ढेर सारे एडवांस फीचर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सेफ्टी वाइज काफ़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है इस गाड़ी में आपको, बढ़िया बिल्ड क्वालिटी, उसके साथ आपको 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस में आपको इस गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, ये गाड़ी जल्द 2024 में ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, यानी कि अगस्त सितंबर के महीने तक। हमारे लिस्ट में हमारी सेकंड गाड़ी है टोयोटा टाइगर। जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में टोयोटा एंड मारुति के बीच में पार्टनरशिप है एंड जल्द टोयोटा अपनी एक टाइगर गाड़ी लॉन्च करने वाला है जो बेसिकली फ्रॉन्क्स का एक रीबैच्ड वर्जन होगा, जिसमें आपको फ्रंट एंड बैक से माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस जैसे कि मॉडिफाइड हेडलैम्प्स, टेल लैम्प्स विद न्यू अलॉय व्हील्स एंड इंटीरियर आपको एकदम सेम देखने को मिलेगा, बस सुजुकी की जगह टोयोटा का लोगो होगा। एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में भी 6 देखने को मिल जाएंगे एंड आपको वही 1.2 लीटर पेट्रोल एंड एक 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये गाड़ी भी जल्द आने वाले 2 से 4 महीने के बीच में इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। हमारी लिस्ट में हमारी थर्ड गाड़ी है टाटा एल्ट्रॉस का एक रेसर वर्जन, जिसमें आपको बाहर से काफ़ी मॉडर्न एंड काफ़ी स्पोर्टियर लुक्स देखने को मिल जाएंगी, जिसमें आपको ड्यूल टोन का कलर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ आपको काफ़ी बढ़िया फुल LED हेडलैम्प्स, साइड में काफ़ी बढ़िया अलॉय व्हील्स एंड आपको रियर में भी काफ़ी क्लासिक लुक्स देखने को मिल जाएंगी। इंटीरियर काफ़ी अपडेटेड होने वाला है, जिसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिगर इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जर जैसे और भी ढेर सारे एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ मल्टीपल एयरबैग्स इस गाड़ी में स्टैंडर्ड होने वाली है, यानी कि 6। इंजन ऑप्शंस में आपको इस गाड़ी में अबाउट 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करके देगी टाटा कंपनी, जैसे आपको टाटा नेक्सॉन में भी देखने को मिलता है, यानी कि इंजन में आपको पावर अच्छी खासी प्रोवाइड कर दी जाएगी एल्ट्रॉस रेसर में। अगर हम बात करें लॉन्च डेट की, ये गाड़ी सितंबर अक्टूबर के महीने तक टाटा इंडिया में लॉन्च कर देगा। सो ये थी मेरी वीडियो ऑल अबाउट अपकमिंग हैचबैक्स इन इंडिया जो आने वाले कुछ ही समय में इंडिया में लॉन्च होने वाली है। लिस्ट काफ़ी छोटी है, जैसा कि आप जानते हैं आज की डेट में इंडियन कस्टमर ज़्यादा प्रेफर कर रहा है SUVs ओवर हैचबैक्स एंड सेडान्स, इसलिए कंपनीज भी हैचबैक पे थोड़ा कम ध्यान दे रही है। वो ज़्यादा कोशिश कर रही हैं कि वो मार्केट में अपनी SUVs निकाल पाए, चाहे वो माइक्रो हो या फिर सब 4 मीटर या फिर फुल साइज SUVs। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक एंड ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अगर आप कोई भी गाड़ी पे पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं बना दूंगा। सो इस वीडियो को इतना रखते हैं, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।